हरियाणा सरकार ने पहले ही महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित की है पंचायतों के अंदर, इसकी भी देश में तारीफ हुई। इससे देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। कांग्रेस पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया और कहा कि अगर कांग्रेस बिल लेकर आई थी तो उसे पास भी करवाना चाहिए। देखिए, मैं इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, मैं उनकी सराहना करता हूं कि बहुत समय से इस विषय की चर्चा जनता में थी, खास करके महिलाएं बार बार पूछती थी। हम लोगों ने तो यहाँ स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकाय के जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज अथवा शहरी स्थानीय निकाय, वहाँ पर 50% का जब से प्रतिनिधित्व किया था महिलाओं का, तब से ये चर्चा बार बार चलती थी कि विधानसभा में लोकसभा में कब होगा। तो ये बिल आया है, ये एक सराहना योग्य ये कदम है। महिलाओं को भागीदारी मिलेगी, भागीदारी उनकी होगी, उन महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम सरकार का चल रहा है उसमें बहुत से विषय हुए, उसमें चुनाव में भी उनकी जो 33% की भागीदारी का जो बिल आ रहा है, निश्चित रूप से इससे महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ेगा। अगर बिल लेके आए तो पास कराना चाहिए था, नहीं कराया तो कोई कारण रहा ही होगा। धन्यवाद। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है कि आज पहला सत्र संसद का नए भवन के अंदर जो शुरू हुआ है, ये भी एक ऐतिहासिक एक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है, ये हमेशा याद रखा जाएगा। और इस ऐतिहासिक दिन पर ही इस प्रकार का जो महिलाओं का रिजर्वेशन का जो बिल आया है, ये अपने आप में और एक बढ़िया।